11th ऑफ मई 1998 दोपहर 3:43 में इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दी। पर यह जर्नी इतना आसान नहीं था। पिछले कुछ दशकों से भारत इसकी तैयारी में लगा हुआ था। आज जहां भारत अपना 77वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है, तो आइए इंडिया के एक बड़े और महत्वपूर्ण मिशन के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविशंकर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट 1998 से नहीं बल्कि उससे कई दशक पहले से ही इसकी तैयारी कर रहा था, पर यह इतना आसान नहीं था। होमी जे भाभा, जिसे फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है, पहली न्यूक्लियर टेस्ट की शुरुआत इन्होंने ही की थी। भाभा ने कैम्ब्रिज में न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी किया है। सन 1939 जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब भाभा इंडिया वापस आ गए। आते ही वो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से मिले और उनसे न्यूक्लियर टेस्ट करने की अपील की, पर तब जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी परमिशन नहीं दी। तो आगे बढ़ने से पहले आज का जनरल नॉलेज क्विज है कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूनाइटेड स्टेट ने जापान के कौन से जगह पर एटॉमिक बम गिराया था। दोस्तों, अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको आते रहे। टॉपिक पर वापस आते हैं। सन 1954 में एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन हुआ। भाभा इस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बने। इसे हम आज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से भी जानते हैं। इस डिपार्टमेंट का प्राइमरी जॉब था न्यूक्लियर एनर्जी के सिविलियन यूज को एक्सप्लोर करना। इसके लिए सन 1954 में ही यूएस और कैनेडा ने इंडिया को साइरस रिएक्टर सप्लाई किया। न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट के लिए अभी भी परमिशन नहीं मिली थी, पर भाभा इन पर रिसर्च कर ही रहे थे। पर इंडिया के सामने प्रॉब्लम्स आते ही जा रहे थे। 1966 में होमी जे भाभा की डेथ हो गई। कुछ समय बाद एक और बड़ी मुसीबत इंडिया के सामने आई। सन 1968 में नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन हुआ और ये घोषणा की गई कि 1967 से पहले अगर न्यूक्लियर टेस्ट हुई है तो वो देश न्यूक्लियर पावर में शामिल है। अगर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया गया है तो कोई भी देश बॉम्ब नहीं बना सकता, उसे इलीगल माना जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या होता है। जिन देशों ने 1967 के पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था वो न्यूक्लियर स्टेट्स कहलाते थे। उस समय एनपीटी के अनुसार न्यूक्लियर स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना ही था। हालांकि इंडिया ने एनपीटी कभी साइन नहीं किया था, पर इंडिया के सामने बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे थे। एक तो ये कि एनपीटी का न्यूक्लियर टेस्ट के लिए डेडलाइन देना, और दूसरा इंडिया के हॉस्टाइल नेबर्स चाइना और पाकिस्तान, जिसमें से चाइना ऑलरेडी न्यूक्लियर स्टेट था। तो ये टेस्ट इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होता जा रहा था। इसके बाद प्रॉब्लम्स और बढ़ती गई जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। अब इंडिया के लिए न्यूक्लियर टेस्ट करना बहुत ही जरूरी था। इन सारी सिचुएशन के बीच इंडिया ने 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये टेस्ट राजस्थान के पोखरण में किया गया। इस बॉम्ब को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। इस बॉम्ब का डिजाइन बहुत हद तक नागासाकी में गिराए गए बॉम्ब से सिमिलर था। दोस्तों, हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिराने की पूरी डिटेल इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा। टॉपिक पर वापस आते हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से हुआ। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 75 इंजीनियर्स ने काम किया। किसी को इस बारे में खबर नहीं थी। इवन डिफेंस मिनिस्टर को भी इस प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं थी। तो चलिए आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल से बताते हैं। इस बॉम्ब के पार्ट्स अलग अलग जगह से आए थे। इम्प्लोजन सिस्टम चंडीगढ़ से आया था, डेटोनेशन सिस्टम पुणे से आया था। ये सारी चीजें मुंबई के ट्रॉम्बे में इकट्ठा हुआ, फिर इन्हें पोखरण ले जाया गया। ये टेस्ट इंडिया के लिए बहुत बड़ा सक्सेस था। इंडिया ने इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया, यानी कि ये सिविलियन यूज के लिए किया जाएगा, जैसे कि कॉपर माइनिंग के काम के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं। इसी समय न्यू वीपन कंट्रोल ट्रीटी डिस्कशन में आया। इसे CTBT यानी कंप्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी कहा गया। इसके अनुसार न्यूक्लियर बॉम्ब और डिवाइसेस के टेस्टिंग को बैन किया जाना था। इस समय ये खबर भी सामने आ रही थी कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करने का काम शुरू कर दिया है। तब सन 1995 में प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव ने एक और टेस्ट को अप्रूव किया, पर ये काम इतना आसान नहीं था। अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट को पोखरण में हो रहे काम की जानकारी मिल गई। उस समय बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उनको तब इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर रेस का डर हुआ, तो उन्होंने US एम्बेसडर को मिशन पर इंडिया भेजा। एम्बेसडर ने इंडियन ऑफिशियल से मुलाकात की और उन्हें स्पाई सैटेलाइट के द्वारा पोखरण में लिए गए तस्वीरें दिखाई। इसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव से भी बात की। बस अब क्या, ये सब यही खत्म होने वाला था। इंडिया ने ये प्लान
छोड़ने का डिसाइड किया। पर तभी एक और अपॉर्चुनिटी सामने आई। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने फिर से ये टेस्ट करने का फैसला लिया। पर इस समय सिर्फ बॉम्ब का टेस्टिंग करना ही नहीं था, बल्कि इस प्रोजेक्ट को सबसे छुपाना भी था ताकि ये प्लान सक्सेसफुल हो सके। इसलिए ये काम सिर्फ रात को किया जाता था ताकि रात के अंधेरे में स्पाई सैटेलाइट कुछ भी स्पॉट ना कर सके। सुबह होते ही सारी चीजें छुपा दी जाती थी ताकि सैटेलाइट को किसी भी तरह का कोई शक ना हो। सैटेलाइट के साथ साथ इंडिया को एयरवेव से भी सारी जानकारी छुपानी थी, इसलिए इनका कोड नेम क्रिएट किया गया। डेटोनेशन शाफ्ट को व्हाइट हाउस, ताजमहल एटसेट्रा एटसेट्रा बुलाया जाता था। इस प्रोजेक्ट में काम करने वालों में से एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। वो पोखरण में मेजर जनरल पृथ्वीराज बने थे। आर चिदम्बरम ने भी उनके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया था। इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। गवर्नमेंट में भी बहुत कम लोगों को इस प्रोजेक्ट की जानकारी थी। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और उनके कुछ भरोसेमंद लोगों के अलावा ये बात कोई और नहीं जानता था। 11th of May 1998 2:43 में ये न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ, जिसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दी। 1998 में दो दिन में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए। 11 तारीख को 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। इंडिया में पोखरण में 3 अंडरग्राउंड टेस्ट किए थे और दो दिन बाद 13th को और 2 टेस्ट किए गए थे। मैं आपको न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बता दूं तो यहां थोड़ी साइंस की बात कर लेते हैं। पहला था फिजन। तो फिजन एडवांस्ड टेस्ट होता है, जिसका मतलब है 2 या 2 से ज्यादा एटम को डिवाइड करना या अलग करना। दूसरा था फ्यूजन एक्सप्लोजिव, इसे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन भी कहा जाता है। इसका मतलब है 2 या 2 से ज्यादा एटम को मर्ज करना। ये दोनों ही प्रोसेस बहुत ही ज्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं, इसलिए ही न्यूक्लियर बॉम्ब इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। 3 और जो थे वो बहुत ही छोटे थे, यानी वो 1 किलो टन से भी कम थे। पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद वहाँ से प्राइम मिनिस्टर को मैसेज भेजा गया, जिसमें कहा गया व्हाइट हाउस हैज कोलैप्स्ड। ये उनका कोड वर्ड था, जिसका मतलब था न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेस हो गया है। ये टेस्ट 1974 से अलग था। इस बार इसे पीसफुल एक्सप्लोजन नहीं कहा गया, बल्कि इंडिया ने खुद को न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया। बात यही खत्म नहीं हुई, इसके बाद इंडिया को बहुत सारे सैंक्शंस का सामना करना पड़ा और इंडिया इन सब के लिए तैयार था। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट पर मोरेटोरियम डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की वॉर की स्थिति में इंडिया कभी न्यूक्लियर बॉम्ब यूज नहीं करेगा। इसका यूज वो अटैक के रिस्पॉन्स में ही करेगा। जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट थे उनके खिलाफ भी न्यूक्लियर डिवाइसेस का यूज नहीं करेगा। इन टेस्ट ने इंडिया को पावरफुल तो बनाया है, साथ ही अपनी सुरक्षा भी मजबूत कर दी। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस ने जापान के कौन से जगह पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। अगर आपने अब तक इसका जवाब नहीं दिया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों, ऐसे वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।